forget to subscribe. जेनी का स्वागत है। काम के बाद टिटिपो वापस चूचू शहर पहुंचा। मैं आ गया। बहुत अच्छे टिटिपो। हेलो चीची। कल बड़ी दूर से एक रेलगाड़ी को यहाँ आना है, क्या तुम जाकर उसे ले आओगे? नई रेलगाड़ी? बिल्कुल ठीक, वो दूर दूर तक सामान पहुँचाती है। शायद उसका नाम जेनी है। क्या? जेनी? हाय दोस्त, मेरा नाम है जेनी। तुम इतना हैरान क्यों हुए? क्योंकि जेनी वही रेल है जिसने मुझे रेगिस्तान में बचाया था। ओ अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो जेनी है तो उसे लाने में मजा आएगा। हेलो दोस्तों। हाय टिटिपो। काम खत्म हो गया? हाँ, क्या तुम लोगों ने सुना, कल एक नई रेलगाड़ी आ रही है। हाँ सुना तो है हमने। वो जेनी है, वही रेलगाड़ी जो मुझे रेगिस्तान में मिली थी। सच में उसने तुम्हें बचाया था? वाह कितनी अच्छी बात है। वो मालगाड़ी है ना, फिर तो वो बहुत सामान खींच चुकी होगी, लेकिन उतना नहीं जितना मैंने खींचा है। वो जो दूर से आ रही है वो है जेनी, खुशी खुशी चूचू शहर की तरफ बढ़ती हुई। कल तक वो अपने नए घर पहुंच जाएगी और अपने नए दोस्तों से मिलेगी। चूचू शहर में अगला दिन। हेलो मिस्टर हब। हाय टिटिपो, बहुत जल्दी आ गए। मुझे जेनी को लेने जाना है ना? बिल्कुल ठीक, जेनी पहली बार आ रही है, देखना कहीं रास्ता ना भटक जाए। ठीक है, वापस आकर मिलता हूँ मिस्टर हब। ध्यान से जाना। गया। लगता है मैं वहाँ पहुँचने ही वाली हूँ। वहाँ मिलना है। अब तक जेनी को आ जाना चाहिए था। ओ, वो आ रही है। मैं पहुँच गई। ओ, हेलो जेनी। टिटिपो, फिर से मिल गए। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। एक मिनट यहीं रुको। क्या चूचू टाउन जाने के लिए तैयार हो? हाँ, क्यों नहीं। वाह, वहाँ पर क्या है? कहाँ? ओह, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, क्या तुम देखना चाहती हो? जरूर। वाह, यहाँ तो सामान की पहाड़ है। यहाँ से मालगाड़ियाँ सामान को दूसरे देशों में ले जाएंगी। मतलब मुझे भी ये सामान ले जाने का मौका मिलेगा? हो सकता है। वाह, यहाँ फिर किसी और दिन दोबारा आएंगे, अभी चलना चाहिए। ठीक है। चूचू शहर जाने के रास्ते में जेनी को कई हैरान करने वाले और सुंदर नजारे दिखे। ऊंची ऊंची इमारतें हैं। हाँ अच्छी है ना। इधर उधर ज्यादा मत देखो, ध्यान से चलो। ठीक है, थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं। बिल्कुल। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। अच्छी है ना? हाँ, यहाँ तो चारों तरफ लोग ही लोग हैं और रेलगाड़ियाँ भी नई तरह की हैं। जल्दी तुम्हें इनकी आदत हो जाएगी। पता है टाउन जाते हुए रास्ते में समुद्र भी दिखाई देता है, तुम वहाँ रुकना चाहोगी? वाओ, मजा आएगा। मेरे पीछे आओ। ठीक है। वाओ, बस थोड़ी ही दूर है, साथ चलती रहो। वाओ। अरे जेनी तो अलग रास्ते पर चल पड़ी। कितनी बड़ी फैक्ट्री है, क्यों है ना टिटिपो? हो? कहाँ चला गया? हो? हाँ, वो जा रहा है। शुक्र है टिटिपो मिल गया, जल्दी से उसके पास जाती हूँ। टिटिपो, मैं आ रही हूँ।
टाडा, हम पहुंच गए। जेनी, ओ, जेनी, जेनी, अरे नहीं, वो खो गई। मुझे उसे ढूंढना होगा। टिटिपो, 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 हम तो समुद्र की तरफ जा रहे थे ना? हाँ, मुझसे बात कर रही हो क्या? तुम तो टिटिपो नहीं हो। समुद्र में कौन जा रहा है? और ये टिटिपो कौन है? मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहती हूँ। गलती? कोशिश करना दोबारा ना हो। ठीक है। स्टेशन आ गया। माफ करना। हाय। मुझे चूचू टाउन जाना है, क्या तुम मुझे रास्ता बताओगे? जेनी को ढूंढता हुआ टिटिपो उसी रास्ते पर गया जहाँ से वो आया था। जेनी, जेनी, जेनी! टिटिपो, क्या कोई परेशानी है? थोड़ी देर पहले जो रेलगाड़ी मेरे साथ थी, क्या आपने उसे देखा है? इतना याद है कि यहाँ से तुम दोनों साथ गए थे और उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा। शायद वो यहाँ पर वापस नहीं आई। टिटिपो फिर से पटरियों पर दौड़ता हुआ जेनी को ढूंढने लगा। जेनी, जेनी! ओ, जरा सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या मुझसे कुछ कहा? जी सर, क्या आपने जेनी नाम की मालगाड़ी को देखा है? मैंने तो नहीं देखा। ठीक है। टिटिपो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो अब भी हर जगह जेनी को ढूंढ रहा है, लेकिकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। नहीं, वो यहाँ तो बिल्कुल नहीं आई। टिटिपो, लानी, हेलो, हेलो, परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है? मुझे एक रेलगाड़ी को टाउन लाने का काम सौंपा गया था, लेकिन वो बिछड़ गई। अच्छा, बहुत बुरा हुआ। सफेद रंग की मालगाड़ी है, क्या तुमने उसे देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। ओ, अब क्या करूं? अफसोस, टिटिपो को जेनी के बिना ही चूचू शहर लौटना पड़ा। मैं आ गया मिस्टर हब। ओ, आ गए तुम, बहुत थक गए होगे, लेकिन जेनी दिखाई नहीं दे रही। माफ करना, वो कहीं खो गई मिस्टर हब। क्या, वो कहीं खो गई? लेकिन ये हुआ कैसे? वो हम मिले थे, लेकिन वापस आते हुए। जेनी! हाय टिटिपो। जेनी! तुम कहाँ चली गई थी जेनी? मैं पूरा दिन तुम्हें ढूंढता रहा। मैं आ गया मिस्टर हब। किस्मत से मुझे एरिक मिल गया और अपने साथ ले आया। जेनी भटक गई थी और मुझे स्टेशन पर मिली। अगर मैं उससे नहीं मिलता तो पता नहीं कहां से कहां चली जाती। मुझे ध्यान रखना चाहिए था, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, पूरे रास्ते मेरा ही ध्यान बार बार इधर उधर भटक रहा था। गलती दोनों की है, दोनों को सतर्क रहना था। कभी भी अपना ध्यान मत भटकने दो, क्योंकि दुर्घटना कभी भी हो सकती है। समझ गए ना? समझ गए जी। चलो, जो हुआ सो हुआ। चूचू शहर में तुम्हारा स्वागत है जेनी। शुक्रिया। मैं शहर का स्टेशन मास्टर हूँ, तुम मुझे मिस्टर हब कह सकती हो। ठीक है, मिस्टर हब ही कहूँगी। शाबाश, जल्दी ही मैं तुम्हारे बारे में जान जाऊंगा। देर हो गई है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। तुम जेनी को उसका कमरा दिखा दोगे टिटिपो? जी बिल्कुल। गुड नाइट मिस्टर हब। गुड नाइट। टिटिपो, एरिक, लगता है तुम्हारे साथ नई दोस्त है। हेलो, देखो ये डीजल है। मेरा नाम है जेनी। स्वागत है, मैं भी मालगाड़ी हूँ, हम दोनों की दोस्ती खूब जमेगी। क्यों नहीं। हेलो दोस्तों, ये है मेरी नई दोस्त, इसका नाम है जेनी। हेलो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ जीनी। और मैं हूँ सिंग सिंग, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा जेनी। मैं हूँ सेटर, मैं रेलगाड़ियों के डिब्बे लगाता हूँ। और मैं हूँ लोको, तुम्हारी ही तरह सामान लेकर जाता हूँ। हम भी मालगाड़ियाँ हैं। मैं हूँ मैनी। और मैं हूँ बर्नी। मैनी और मैं दोनों जुड़वा भाई हैं। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमसे भी मिल लो। ओ,
फिक्स फिक्स मेरा नाम है फिक्स लेफ्ट लेफ्ट मेरा नाम है लेफ्ट फिक्स और लेफ्ट लेफ्ट और फिक्स चक चक चू चू चक चक चू चू सब चक चक चू चू चक चक चू चू छोटी रे चक चक चू चू मिलकर चले चक चू चू तुम्हें ये गाना कैसे आता है? हमें ये टीटी को नहीं सिखाया है। मस्ती कर चक चक चू चू जोर से गाएं चक चू चू चक चक चू चू चक चक चू चू चक चक चू चू चक चक चू चू सुबह गाएं चक चक चू चू शाम में गाएं चक चू चू यहाँ वहाँ गाएं चक चू चू जेनी सुरक्षित वापस चूचू शहर पहुंच गई और छोटी रेलगाड़ियों ने उसका दिल से स्वागत किया। इतने अच्छे दोस्तों से मिलकर जेनी को बहुत अच्छा लगा। ओ प्लीज जीनी। अपना काम पूरा करने के बाद जीनी चूचू शहर में लौट आई है। हेलो बनी। हेलो। सुनो जीनी, तुम जानती हो मैंने एक नई शानदार जगह देखी है। अच्छा, क्या सच में? मैं आज झील के पास से गुजर रहा था और वहाँ दोनों तरफ फूलों वाले पेड़ों की कतारें थी। सभी के सभी फूल खिले हुए थे, इसलिए लग रहा था जैसे वो फूलों की सुरंग हो। वाह, शानदार! मुझे भी वो जगह देखनी है। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए इससे पहले कि रात हो जाए। मैं जरूर जाऊंगी। बताने के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। आज जीनी की छुट्टी है और वो फूलों को देखने जा रही है। बस मैं जल्दी से पहुंच जा। जीनी। हेलो जीनी। हाय। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तुम सब कहाँ जा रहे हो? चूचू शहर जा रहे हैं हम। चूचू शहर? हाँ, मैंने सबको बताया कि तुम्हारा शहर कितना अच्छा है, इसलिए सब उसे देखना चाहते हैं। सुनो जीनी, क्या तुम्हें कुछ काम है? नहीं, आज मेरी छुट्टी है। वाह, सच में? तो क्या तुम हम सबको चूचू शहर घुमा सकती हो? वाह, प्लीज हमें भी वहाँ घुमा लाओ ना। हाँ अभी। ओ प्लीज जीनी। लेकिन मुझे। तुम क्या कर रही हो? उन्हें मना कर दो, तुम्हें फूल देखने जाना है। ऐसा मत करो, तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी मदद चाहिए। मना मत करो, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हें चूचू टाउन अच्छे से दिखाऊंगी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जीनी। जीनी ने छोटी बसों को सैर करवाई और उन्हें पूरा शहर दिखाया। ये कितनी अच्छी जगह है। ये जरूर डीजल का घर होगा। ये तो बहुत बढ़िया है। वाह, ये तो कमाल का है। तुम्हारे साथ घूमकर बहुत मजा आया जीनी। शुक्रिया। कोई बात नहीं, ध्यान से घर जाना। ठीक है, तुमसे जल्दी मिलते हैं। बाय। अब मैं फूल देखने जा सकती हूँ। शुक्र है कि अभी भी रोशनी है। जीनी। ओ? कैसे हो तुम? तुम सब एक साथ? बिल्कुल, हमें भी रास्ते में टायो मिला था। उसने कहा कि तुमने उसे शहर की सैर कराई, इसलिए हमने सोचा कि तुम हमें भी शहर घुमा के लाओगी। इस समय? वैसे हम भी छोटी बसों के साथ आना चाहते थे, लेकिन काम की वजह से देर हो गई। वो प्लीज जीनी। जरूर पूरा शहर दिखाऊंगी। वाह, शुक्रिया जीनी। जब तक जीनी ने उन सबको सैर करवाई, सूरज डूबने लगा था। चूचू टाउन कमाल का है। सही कहा। शुक्रिया जीनी। बाय 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 दोस्तों। अंधेरा होने लगा है, लगता है मैं फूल नहीं देख पाऊंगी। अरे नहीं। जीनी। हेलो। हेलो। आज टीवी पर गार्डियन एक्स आएगा। हाँ, याद आया, आज आएगा। हाँ, मजा आएगा। आज गार्डियन एक्स की उस बदमाश के साथ आखिरी लड़ाई होगी। मजा आएगा, जल्दी चलो टिटिपो। हाँ, साथ में देखेंगे। हम हैं ना हारने वाले गार्डियन एक्स। ओ, जी कहिए। अचानक कुछ काम आ गया है, इसीलिए तुम्हें अभी जाना पड़ेगा। क्या, बिल्कुल अभी? हाँ, मुझे तुम्हारी तुरंत जरूरत है। मैं अभी आया। क्या
क्या तुम्हें फिर से काम पर जाना है? हाँ, मेरा बहुत मन था देखने का, लेकिन मैं क्या करूँ? उसे कितने दिनों से इस शो का इंतजार था। उसकी जगह लेने का सोचना भी मत। पहले ही तुम शहर दिखाने के चक्कर में फूल नहीं देख पाई। हाँ, लेकिन टिटिपो अपना मनपसंद हीरो गार्डियन एक्स को नहीं देख पाएगा। लेकिन गार्डियन एक्स तो तुम्हें भी बहुत पसंद है। लेकिन टिटिपो कितना उदास लग रहा है। तुम जाओगी वो खुश हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत करना। रुक जाओ टिटिपो, रुक जाओ। क्या? तुम्हारी जगह मैं चली जाऊंगी। तुम गार्डियन एक्स देखो। क्या? सच में? हाँ, मैं बाद में देख लूंगी। तुम कब से इंतजार कर रहे थे? ओ, शुक्रिया जीनी। कोई बात नहीं, तुम शो का मजा लो, बाद में मिलती हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं जीनी। फिर से शुक्रिया। आखिरी स्टेशन आ गया, सभी को बाय बाय। बाय। आज मेरा दिन नहीं था, ना फूल देखे और ना ही शो। अगली सुबह शुरू हो चुकी है और जीनी अपने काम पर जा रही है। कैसी हो जीनी? हेलो बर्नी। तुम वो सुंदर फूल देखकर आई? अभी नहीं, समय नहीं मिल पाया। अरे नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। अनुमान है कि आज रात बरसात होगी और अगर बरसात हुई तो सारे फूल गिर जाएंगे। सच में गिर जाएंगे? मुझे जल्दी जाना चाहिए। शुक्रिया बर्नी। अरे कोई बात नहीं। अच्छा, मैं अब इस तरफ जा रहा हूँ। फूल देखने जरूर जाना जीनी। आज मैं जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पाल माल मची, भारी सामान के साथ इतनी तेज नहीं जाना चाहिए। सबको बाय बाय। तो अब मैं चलती हूँ। एक्सीडेंट। उम्मीद है इससे ज्यादा चोट नहीं आई होगी। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं निकल भी नहीं पाऊंगी। टिटिपो, टिटिपो। बताओ आज कहाँ घूमने चले हम? चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं सब। इसमें तो बड़ा मजा आएगा। सुनो दोस्तों, जरा वहाँ पर देखो। ब्रेकिंग न्यूज, एक मालगाड़ी पटरी से उतरकर पलट गई है। लेकिन अब उस मालगाड़ी को खींचकर ठीक होने के लिए ले जाया गया है। लेकिन पटरी पर चट्टानें बिखर गई हैं, जिससे रेलगाड़ियों का आना जाना रुक गया है। अरे वो देखो जीनी, दुर्घटना की वजह से वो भी फंस गई है। आओ दोस्तों चलें, देखते हैं शायद हम में से कोई उसकी मदद कर पाए। ठीक है। मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे जाऊँ? जीनी, मुझे मीटिंग के लिए देर हो जाएगी। कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? पटरियों पर चट्टाने हैं, मैं नहीं चल सकती। माफी चाहती हूँ। जीनी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? लेकिन तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें न्यूज में देखा, इसलिए फटाफट यहाँ चले आए। तुम्हारी मदद करने के लिए। ओ, शुक्रिया। मदद कैसे करोगे? हाँ, मुझे पता है। मेरे यात्रियों को क्या तुम अगले स्टेशन तक पहुँचा दोगे? अगले स्टेशन तक? हाँ, अगर तुम उन्हें वहाँ उतार दोगे तो दूसरी रेलगाड़ी उन्हें वहाँ से आगे ले जाएगी। हाँ, हम पहुँचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान दीजिए, आप बाहर खड़ी किसी भी बस में बैठ जाइए। आप अगले स्टेशन पहुँच जाएंगे, वहाँ से रेलगाड़ी आगे ले जाएगी। वाह, अब मैं वक्त से पहुँच जाऊँगा। शुक्रिया जी। ध्यान से चढ़िएगा। चलिए आइए, चढ़ जाइए। जीनी, तुम ठीक हो ना? मिस्टर हब, छोटी बसें मेरी यात्रियों को अगले स्टेशन पहुंचाकर मेरी मदद कर रही है। बहुत अच्छी बात है। और वहाँ टिटिपो उनका इंतजार कर रहा होगा। सच में टिटिपो? हाँ बिल्कुल, वो निकल पड़ा है। उसने कहा कि तुम्हें मदद की जरूरत है। चलो चले। बढ़िया, शुक्र है सब ठीक हो गया। जरा सुनो लिफ्ट, माफ करना लेकिन मैं कब जा सकती हूँ? मुझे नहीं पता। मैं अकेला काम कर रहा हूँ तो मुझे इसमें पूरी रात भी लग सकती है। पूरी रात? हाँ, मेरे पीछे भी रेलगाड़ियाँ फंसी हैं। कितना वक्त तो और लगेगा अभी? कहाँ फंस गए? लगता है अब मैं फूल नहीं देख पाऊंगी। जीनी, हम आ गए। हाय मैक्स,
हे जिनी, हमने तुम्हें न्यूज़ पर देखा। जल्दी से अपना काम खत्म करके तुम्हारे पास चले आए। बताओ हम तुम्हारी क्या मदद करें? कितने अच्छे हो तुम, लेकिन मेरी जगह अब टिटिपो काम कर रहा है। तो तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो जिनी? दरअसल आज मैं खिले हुए फूल देखना चाहती थी, लेकिन नहीं देख पाऊंगी। अगर नहीं गई तो इस बार नहीं देख पाऊंगी। चिंता नहीं, जब हैं हम तो क्या है गम। क्या? सब मिलकर करेंगे तो होगा सारा काम जल्दी खत्म। बस अब तुम देखो हमारा कमाल। ठीक है, शुरू करते हैं। क्यों, क्या कहती हो जीनी? कमाल कर दिया सबने। तुम सबकी मदद से हमने पटरियां जल्दी साफ कर ली, शुक्रिया जीनी। हाँ? काम पूरा हो गया। वाह, इतनी जल्दी सब ठीक रहा ना? बिल्कुल, सभी छोटी बसों ने लोगों को जल्दी स्टेशन पहुंचा दिया, तो मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। सुनकर अच्छा लगा, सबने मिलकर मेरी मदद की। हमेशा करेंगे, पिछली बार तुमने जो मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूल सकता। हम भी कभी नहीं भूलेंगे जीनी, जब भी तुम परेशान होगी हम तुम्हारे साथ हमेशा होंगे। देखो अंधेरा होने वाला है जीनी। जीनी जल्दी से फूलों को दिखाओ। ठीक है, मैं भी जाती हूँ। क्या हुआ? मुझे एक अच्छा आइडिया आया है। वाह, कितने सुंदर फूल खिले हैं। ये जगह तो पता भी नहीं थी। क्या नजारा है, सबके साथ देखने में ज्यादा मजा आता है ना? ठीक कहा। खुश होना उनकी मदद करके और उसके बाद तुम फूल भी देख पाई। मैं मानती हूँ दोस्तों के साथ ज्यादा मजा आता है। अब आगे से मेरी दोस्तों को जब भी जरूरत होगी मैं उनकी मदद करूँगी। कितना सुंदर है। जीनी का दिल भी उतना ही अच्छा है जितने ये खिले हुए फूल। डैनी और उसके दोस्त। रात बहुत ज्यादा बीत चुकी है और पटरियों की जांच करने वाला डैनी अभी काम से लौटा है। काम पूरा हो गया। सब लोग सो गए क्या? लोको, टिटिपो, सिंग सिंग, डीजल, डीजल। लगता है सब गहरी नींद में हैं। डैनी रात को काम करता है, सुबह सुबह वापस आता है और दिन में सोता है। जब शाम होती है तब डैनी सोकर उठता है। काफी अच्छी नींद आई। काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। हेलो डैनी। हाय दोस्तों। हेलो। हाय, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। सच में बहुत दिन हो गए, क्या कर रहे हो आजकल? क्या किसी काम से बाहर गए थे? नहीं तो, मैं तो यहीं पर ही था। अच्छा, फिर इतने दिनों से दिखे क्यों नहीं? मैं रात में काम करता हूँ, याद है ना तुम्हें? अरे हाँ। अच्छा ये बताओ कहाँ जा रहे हो सबके सब? हमारा काम खत्म हो गया इसलिए घूमने जा रहे हैं। अच्छी बात है ये तो, चलो मैं भी काम के लिए निकलता हूँ। काश तुम भी हमारे साथ चल पाते, मजा आता। ओह, क्या कल दोपहर को तुम खाली हो? दोपहर को? हाँ, कल हम सबकी छुट्टी है, तुम दोपहर को तो काम नहीं करते ना? हमारे साथ चलो, बहुत मजे करोगे तुम। सच में हमारे साथ आओ ना डैनी। पर तब तो मैं सोता हूँ। चलो एक दिन नहीं सोऊंगा। ठीक है मैं भी चलूंगा। बढ़िया, कल मिलते हैं। अभी हम चलते हैं डैनी। चलो मिलते हैं। सुबह होने से कुछ पहले डैनी अपना काम पूरा करके वापस शहर पहुंचा। बहुत नींद आ रही है। लेकिन अभी मैं नहीं सो सकता, अगर सो गया तो मैं घूमने नहीं जा पाऊंगा। फिक्स और लिफ्ट के रैप ने तो मुझे नींद से जगा ही दिया, ये अच्छा और है। उसके साथ ही लिफ्ट। सुनो दोस्तों। हाय डैनी। हाय फिक्स, लिफ्ट, कुछ और रैप सुना सकते हो मेरे लिए? कुछ और रैप? क्यों नहीं। बहुत बढ़िया, थैंक्स।
तो ठीक है, शुरू करते हैं। 2, 3, फिक्स फिक्स फिक्स। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। फिक्स फिक्स, मेरा नाम है फिक्स। लेफ्ट लेफ्ट, मेरा नाम है लेफ्ट। फिक्स और लेफ्ट और फिक्स। जब कुछ टूटे बुलाओ मिस्टर फिक्स। और उसका साथ ही लेफ्ट लेफ्ट। ये क्या बात हुई, हमसे रैप करवा रहा और खुद सो रहा है आराम से। डैनी, डैनी, ये कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। फिक्स, डैनी, माफ करना। चलो आओ, हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है डैनी, तुम्हें सोना है तो घर जाके सो। अपनी नींद खोलने के लिए डैनी नहाने चला गया। किसी भी तरह आज मुझे जागना ही होगा। अब अच्छा लग रहा है, अब मेरी नींद खुल गई है। नहीं, अभी नहीं सो सकता, एक बार दोबारा नहाने चलता हूँ। अरे नहीं, डैनी तो फिर सो गया। छोटी रेलगाड़ियाँ घूमने जाने के लिए तैयार हैं। डैनी कब तक आएगा? पता नहीं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाय दोस्तों। माफ करना, मैं थोड़ा देर से आया। डैनी, तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है? तुम बहुत बीमार लग रहे हो। क्या तुम हमारे साथ बाहर घूमने जा पाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस थोड़ी बहुत नींद ही आ रही है मुझे, और कुछ नहीं। चलो दोस्तों, चलते हैं। रुको डैनी। क्या, कहाँ जा रहे हो? हमें इस तरफ जाना है। ओह हाँ, सही कहा। चलो चले। ठीक है। सुना दोस्तों, यहाँ फूलों को देखो। वाह, कितने सुंदर है ना। डैनी, सबसे अच्छा फूल कौन सा लगता है? डैनी, सबसे अच्छा फूल कौन सा लगता है? मुझे भी घूमना बहुत पसंद है। क्या? हाँ ठीक है। अरे वाह, ये कितना सुंदर है ना डैनी? फूल बहुत अच्छे लगे मुझे। क्या फूल? डैनी, क्या तुम सो रहे हो? देखो दोस्तों, वहाँ पर देखो, एक बड़ा जहाज जा रहा है। इसकी आवाज बिल्कुल हमारी सीटी जैसी है। मुझे लगता है ये हमें हेलो कह रहा है। मुझे भी, हम भी इसे हेलो कहें। डैनी, क्या हमने तुम्हें डरा दिया? डरपोक बिल्लियाँ। टिटीपो टिटीपो। डैनी, नींद खुल गई तुम्हारी, अब ठीक हो? मैं फिर से सो गया था क्या? माफ करना मुझे, मैं सोया नहीं था, ताकि मैं घूमने जा सकूं तुम्हारे साथ। तभी तुम इतने थके हुए हो। कोई बात नहीं, हम फिर किसी दिन दोबारा घूमने चलेंगे। नहीं, दोबारा नहीं, मैं हमेशा रात में ही काम करता हूँ, इसलिए तुम लोगों के साथ मस्ती नहीं कर पाऊंगा। चलो चलता हूँ, बाय दोस्तों। डैनी, डैनी बहुत उदास लग रहा है। बहुत उदास। कोई तो रास्ता होगा। आइडिया, मुझे एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? ध्यान से सुनो, हम डैनी को सरप्राइज करेंगे। पटरियों की जांच के बाद जब डैनी लौटा तो तकरीबन सभी सो रहे थे। अब तो पक्का सब लोग सो ही गए होंगे। डैनी, ये किसकी आवाज थी? सरप्राइज सरप्राइज डैनी। क्या सरप्राइज, तुम लोग अब तक जाग क्यों रहे हो? आज हम जल्दी जाग गए, बहुत बहुत जल्दी, तुम्हारे साथ घूमने के लिए। बिल्कुल ठीक, हम थोड़ी देर सो भी चुके, इसलिए हमें नींद नहीं आ रही है। क्या सच में? कितने अच्छे हो तुम सब। जल्दी चलते हैं, मजा आएगा। अब देर मत करो, चलते हैं हम। जरा सुनो, थोड़ी देर के लिए यहीं रुक जाओ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये तारे देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। तारे देखने के लिए? हाँ, जरा ऊपर देखो सब। हाँ? वाह! कितने सारे
हैं। हीरे की तरह चमकते हुए। ओ, देखो दोस्तों, टूटता हुआ तारा। वाह, तुम रात को बाहर होते हो, कितने तारे दिखते होंगे, कितना मजा आता होगा। सच में कमाल है। डीजल, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए? मैंने एक खास चीज तैयार की है, अब देखने के लिए तैयार हो जाओ। गार्डियन एक्स। वाह, ये तो गार्डियन एक्स है। जब गार्डियन एक्स आता है तब तुम हमेशा काम पर होते हो, इसलिए मैंने शो रिकॉर्ड कर लिया सिर्फ तुम्हारे लिए डैनी। बहुत बहुत शुक्रिया डीजल। गार्डियन एक्स। इतना ऊंचा ऊंचा मत बोलो, मिस्टर हर्ब को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। समझ गया, हम हैं ना हारने वाले गार्डियन एक्स। हम हैं ना हारने वाले गार्डियन एक्स। वो देखो। डीजल, सच में बहुत मजा आया। हाँ पता है मुझे। सुनो दोस्तों, मेरे साथ साथ आओ। डैनी कहाँ जा रहा है? उसके पीछे चलकर ही पता चलेगा। बस यहीं रुक जाओ, अब उस तरफ देखो। कहाँ? कितना सुंदर है। बहुत सुंदर। अगर सुबह तक काम करना पड़े तो उगता हुआ सूरज रोज दिखाई देता है, लेकिन इसे तुम्हारे साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया दोस्तों, ये एक यादगार पल है। ओ छोड़ो भी, शुक्रिया हमें कहना चाहिए यहाँ लाने के लिए। ये सच है, हमें आज बहुत मजा आया डैनी। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम एक साथ ज्यादा घुमा करेंगे। लगता है मुझे नींद आ रही है। मुझे भी। क्या हम अब वापस चले? काम पर जाने से पहले शायद एक झपकी ले पाए। हाँ चलो घर चलें अब। अरे कहाँ हो सब? काम पर जाने का समय हो चुका है, तुम सब अभी तक सो क्यों रहे हो? माफ कर दीजिए, अभी आ रहा हूँ। अरे डैनी तो अभी सो रहा होगा। किस्मत वाला है। अब चलो भी, डैनी की वजह से हमने इतने मजे किए। ये तो सच है। ये तो सच है। जल्दी करो बच्चों, बहुत देर हो चुकी है। रात को देर तक मौज मस्ती करने की वजह से छोटी रेलगाड़ियां सुबह तक सोती रहीं। देरी तो होनी ही थी। लोको, एक अच्छी मालगाड़ी। लोको सामान लेकर जा रहा है। कितना अच्छा दिन है। ये कौन है? चलकर देखता हूँ। अरे वाह, ये कितनी लंबी मालगाड़ी है। ये तो खत्म ही नहीं हो रही है। टोनी सर, हाय, गुड मॉर्निंग। हाय लोकू, कैसे हो? कमाल की बात है कि आप इतने सारे डब्बे खींच लेते हैं सर। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मैं भी आपके जितने ही माल बोगी खींचना चाहता हूँ सर। जल्दी ही तुम भी माल बोगी की लंबी लाइन खींचोगे। आप सच कह रहे हैं। हाँ। बाद में मिलते हैं लोको। बाय। काम करने के बाद लोको वापस शहर लौट रहा है। बहुत काम है। हाय सेटर। हाय, स्वागत है तुम्हारा। थैंक्स। तुम्हारे पास इतनी माल बोगियां क्यों हैं? मिस्टर हर्ब ने तैयार रखने के लिए कहा है, बहुत सारा सामान ले जाना है। वाव, इतनी सारी बोगियां एक साथ, कौन खींचेगा इन्हें? इस बात का मुझे तो नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है? वो मुझे भेजेंगे, चूचू टाउन की सबसे ताकतवर मालगाड़ी। इतना भी मत बनो, लोगों को भी भेजा जा सकता है। मजाक मत करो सेंटर। मैं मजाक नहीं कर रहा। पता नहीं उन माल बोगियों को कल कौन लेकर जाएगा। काश मुझे मौका मिल जाए।
लोगों ने सपना देखा कि वो डिब्बों की कभी खत्म न होने वाली लाइन लेकर जा रहा है। टायो खड़ा है। टायो, हेलो। लोगो, हेलो। वाव, कितने सारे डब्बे। सबसे ज्यादा डिब्बे खींच कर ले जाने वाली एक मालगाड़ी आजकल चर्चा में है। डिब्बों की इतनी लंबी लाइन देखकर सब हैरान हैं। शाबाश लोगो, तुम सबसे अच्छे हो। लोगो, लोगो, लोगो। लोगो? लोगो? हाँ? ओ, मैं सपना देख रहा था। लोगो, क्या तुम जाग गए? जी मिस्टर हब। तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जी सर। हाँ? कहीं मुझे? हाँ? ओ? मुझे पता था मैं ही आऊंगा। हेलो दोस्तों। हेलो लोगो। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर हब ने मुझे बुलाया है, शायद वो चाहते हैं कि सारे डिब्बे लेकर मैं ही जाऊँ। सारे डिब्बे? मिस्टर हब ने बर्नी और मुझे भी बुलाया है। तुम्हें किसी और काम के लिए बुलाया होगा। पता नहीं क्या बात है। अच्छा आ गए तुम सब। मैंने तुम सबको एक साथ काम करने के लिए बुलाया है। एक साथ काम? बिल्कुल ठीक। माल बोगियां ज्यादा हैं, तुम चारों मिलकर उन्हें एक साथ खींचोगे। क्या? सामान इतना ज्यादा है कि ले जाने के लिए कई मालगाड़ियों को जाना पड़ेगा। ओह अच्छा, इसमें तो बहुत मजा आएगा। ओह जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं है, जल्दी चले जाओ। जी सर। मैं अकेले जाना चाहता था। मैं पहली बार एक साथ सामान खींचूंगा, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मैं भी। माल बोगी लगवाने के लिए छोटी रेलगाड़ियाँ डिपो पहुँच गईं। तो लाइन में सबसे आगे किसको होना चाहिए? मुझे और किसको? मैं ही आगे रहूंगा क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे जैसी बहादुर रेल को ही आगे होना चाहिए। नहीं मैं ही आगे रहूंगा। बिल्कुल नहीं, आगे मैं ही रहूंगा। सुनो तुम दोनों, आपस में झगड़ो मत। इस समस्या को कैसे सुलझाऊं? आइडिया। सुनो दोस्तों, क्यों ना बारी बारी से कर ले। क्या? पहले जाते हुए मैनी आगे चले क्योंकि वो रास्ता अच्छे से जानता है, और वापस आते हुए डीजल आगे चले। हाँ ठीक है, आइडिया अच्छा है। वाकई अच्छा आइडिया है। अरे छोड़ो। टिटीपो टिटीपो। बहुत मजा आ रहा है। हाँ मजा ही आ गया। साथ में मिलकर काम करने का मजा ही अलग है। मुझे तो कोई मजा वजा नहीं आ रहा इसमें। डीजल का मूड अभी भी खराब है। आइडिया, उसे मस्ती भरे गाने गाना पसंद है। सुनो दोस्तों, हम सब मिलकर गाना गाते हैं। मैं नहीं गाना चाहता, खुद ही गा लो तुम लोग। अरे गाओ ना, देखना इसमें बहुत मजा आएगा। अपना दाया हाथ रखो दोस्त के दाएं कंधे पर। अपना बाया हाथ रखो दोस्त के बाएं कंधे पर। एक दो तीन चार रिदम बनाओ और चलते जाओ। चुटु चुटु ट्रेन है अच्छा गेम। आओ हाथ मिलाओ और मिलकर चलते जाओ। सब मिलकर चक्का चक्का तेज चले। हम सब हैं छोटी छोटी रेल। ओह डीजल, तुम तो गाना नहीं चाहते थे। क्योंकि ये गाना मुझे बहुत पसंद है इसलिए। सच में? सुनो दोस्तों, एक बार और गाने को तैयार हो सब। ठीक है, चलो चले सब मिलकर। चक 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 चु। मैनी, पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बर्नी। ठीक है। बर्नी तुम ठीक तो हो ना? हाँ। बर्नी बहुत थक गया है, उसकी मदद कैसे करूं? आइडिया। सुनो मैनी, यहाँ से दाईं तरफ चलो। लेकिन क्यों? वो रास्ता तो बहुत ही लंबा पड़ेगा। वहाँ एक जगह है जो मुझे देखनी है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्यों नहीं। लंबे रास्ते से जा रहे हैं लेकिन मैं तो अभी से थक गया हूँ। ठीक है, दाईं तरफ से चलते हैं। चलो चले। बर्नी बराबर में देखो। बराबर में?
वाओ, कितना सुंदर है। इन फूलों ने मुझ में ताकत भर दी है। अच्छा तो लोको, तुम यहाँ से बर्नी की वजह से निकलना चाहते थे? क्या ये बात सच है लोको? मैं समझ गया था तुम थक गए हो, तो मुझे लगा तुम्हें ये सब देखकर अच्छा लगेगा। शुक्रिया लोको, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। कोई बात नहीं। जोश से भरपूर छोटी रेलगाड़ियाँ चलती रहीं। यहाँ तो खुले मैदान है। मैनी को जानवरों से डर लगता है। मैनी, हो सकता है यहाँ भेड़ देखने को मिल जाए। ओ, क्या? ओ, ओ, भेड़ दिखेंगी? अरे मैनी, तभी तो मैं कह रहा था कि मुझे सबसे आगे रहने दो। कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम तीनों तुम्हारे साथ हैं। उम्मीद करता हूँ। घबराओ मत। ओ, ये आगे कौन है? इतनी सारी भेड़, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, डर रहा हूँ। तुम अचानक रुकोगे तो हम सब के सब गिर जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। आइडिया, इन भेड़ों को दूर भगा देते हैं अपने हॉर्न एक साथ बजाकर। हॉर्न बजाऊं? सही कहा, कोशिश करते हैं। चलो तैयार, चलो बजाओ। काम बन गया, शुक्रिया लोको। कोई बात नहीं। छोटी रेलगाड़ियाँ बंदरगाह पहुँच गईं। हाय रेली, हम सामान लेने आए हैं। हेलो, वाओ, माल बोगियों की इतनी लंबी लाइन लाए हो, कमाल कर दिया तुमने। ठीक है, लोडिंग के लिए तैयार हो जाओ सब। तैयार है। ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, और ये रखा आखिरी। अब तुम जा सकते हो। शुक्रिया क्रेने। अब डीजल की बारी है आगे चलने की। हाँ ठीक है डीजल, अब तुम आगे आओ। असल में मुझे लगता है कि लोको को आगे चलना चाहिए अब। क्या? अगर लोको नहीं होता तो हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। लोको को पता था कि मेरा मूड खराब है, तो उसने गाना गाने के लिए कहा। हाँ, इसने लंबा रास्ता लेने को कहा क्योंकि मुझे फूल पसंद है। और लोको की वजह से हम लोग दुर्घटना से बच गए। जैसा डीजल ने कहा, लोको को आगे चलना चाहिए। हम सब को यही लगता है। ओह थैंक यू, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मेरा वादा है। इतने सारे सामान के साथ छोटी मालगाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं। ओ, इतनी लंबी मालगाड़ी, पता नहीं कौन है। ये तो बहुत सारी माल बोगी है। हेलो दोस्तों। हेलो तायो। हेलो, विश्वास नहीं होता तुम इतना सामान खींच रहे हो। तुम सब कमाल के हो। क्योंकि हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं है ना दोस्तों? बिल्कुल ठीक। हेलो बच्चों, कैसे हो? हेलो टोनी सर। लोको, तुम्हें सबसे आगे देखकर अच्छा लगा, तुम कमाल के हो। ठीक कहा, लोको तो कमाल का है। मैंने कहा था एक दिन तुम भी ज्यादा माल बोगियां खींचोगे, है ना? हाँ। बहुत बढ़िया बच्चे, चलो फिर मिलते हैं। बाय। वाह, मेरा सपना सच हो गया। थैंक यू दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करके लोको बहुत खुश था। अभी बहुत कुछ करना है लोको। शैतान चीची। जूजू टाउन में सुबह का समय। शैतान पप्पी चीची, ये क्या किया तुमने? शरारती कहीं के, देखो तुमने कितना नुकसान कर दिया है। मिस्टर हब। ओ, आ रहा हूँ। आ गए तुम चिटिपो? गुड मॉर्निंग मिस्टर हब। हेलो चीची। ओ मिस्टर हब, आपके कपड़ों पर क्या लगा है? हाँ,
ओ टीटीपो, सफाई करते हुए ये गंदगी लग गई होगी। इस छोटे शैतान ने मेरे ऑफिस को गंदा करके रखा हुआ है। चीची ने फिर तंग किया, इससे मुझे कल रात की बात याद आई। ये आवाज कैसी थी? क्या कुछ गड़बड़ है? कितनी तेज आवाज है, ये क्या हो रहा है? ओह, ये क्या कर रहे हो चीची? हम सब सो रहे थे, चीची ने डराकर सबको उठा दिया। और उस दिन भी इसने बहुत तंग किया था मुझे। मैं आ गया। ओ शाबाश डीजल। चीची, ये कहाँ पर गया था? मुझे लगता है चीची चुपचाप मुझ पर चढ़ गया और मेरे साथ खदान पहुँच गया था। क्या, चुपचाप चढ़ गया? लेकिन चीची बहुत प्यारा है। ये तो सच है। ओ जरा समय तो देखो टीटीपो, तुम्हें अब जाना चाहिए। ठीक है, आपका दिन अच्छा बीते मिस्टर हब। तुम्हारा भी। आखिरी स्टेशन आ गया, सबको बाय बाय। थैंक यू। खड़ी रहो, बैठो। वाह, कितना समझदार डॉगी है। ओ टीटीपो, हेलो। हेलो। आपका डॉगी आपका हर कहना मानता है। शुक्रिया, ये बहुत से कर्तव्य करता है। ये देखो, हाथ मिलाओ। अब दूसरा हाथ मिलाओ। कमाल है, आपने ये सब कैसे सिखाया? बहुत प्रैक्टिस चाहिए, काफी वक्त से सिखा रहा हूँ इसे। मैं वापस आ गया। टीटीपो, शाबाश। मिस्टर हब, कभी चीची को ट्रेनिंग देने के बारे में सोचा है? ट्रेनिंग? हाँ, अगर आप चीची को सिखाएंगे तो फिर वो कभी तंग नहीं किया करेगा। अरे वाह, ये अच्छा आइडिया है, चीची को सिखाना। क्या मैं उसे सिखाऊं? हाँ, और मैं आपकी मदद करूँगा। अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया टीटीपो। मुझे खुशी होगी। इसे थोड़ी ट्रेनिंग देता हूँ। तैयार हो चीची? जा लेकर आओ। शाबाश चीची। देखा तुमने, कितना अच्छा डॉगी है। हाँ, सुना है ये चूचू टाउन में रहता है। ये हुई ना बात, हमारा चीची सबसे अच्छा है। लगता है ये आसानी से सीख जाएगा। अगले दिन मिस्टर हर्ब और टीटीपो ने चीची को सिखाना शुरू किया। इस डिस्क को उठा के लाओ चीची। बहुत बढ़िया। चीची, मैं इसे फेंकूंगा, तुम इसे उठा कर लाओ, ठीक है ना? चीची, तुम कर सकते हो। तो तुम तैयार हो? लेकर आओ। वाह, जाओ ना चीची, उठा कर लाओ। जाओ ना चीची, तुम्हें उसे उठा कर लाना है। चीची, मेरे पीछे आओ। आप फिर कोशिश करते हैं। फिर फेंकूंगा इसे। चीची, छोड़ो। मैंने कहा ना, छोड़ो इसे। छोड़ो इसे। मिस्टर हब, क्या आप ठीक हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे। सुनो, इसको लाने पर ध्यान लगाओ चीची। ये चीची, तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? हर बार जब मिस्टर हर्ब चीची की तरफ डिस्क फेंकते तो उन्हें ही वो वापस लानी पड़ती। मेरी उम्र हो गई है। चीची, दोबारा। ओ चीची, मैं तो बहुत थक गया हूँ। लगता है ट्रेनिंग मिस्टर हर्ब की हो रही है। मिस्टर हर्ब, आप ठीक तो है ना? मुझे लगता है सिखाने का तरीका बदलना पड़ेगा। चीची, दूसरी तरह कोशिश करते हैं। यहाँ बैठो, ऐसे, इस तरह से।
मैंने लेटने को नहीं कहा, मैंने कहा बैठ जाओ और उसके बाद गोल गोल घूमो। देखो इस तरह घूमो, है ना आसान। ओ चीची, गुदगुदी ना करो। टीटीपो टीटीपो। ओ पीठ दुखने लगी। लगता है बारिश होने वाली है। टीटीपो, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है चीची, चलो चलें। हाँ ओ चीची, ओ कहाँ जा रहे हो तुम? ओ, ओ, अरे दूर मत जाओ चीची, वापस आ जाओ। अरे नहीं, लगता है तूफान आएगा। चीची चीची, कहाँ हो तुम? चीची चीची। मिस्टर हर्ब चीची को हर तरफ ढूंढ रहे हैं। चीची, ओ चीची, यहाँ हो तुम? ओ मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, डरा रहे प्यारे बच्चे। हाँ, इतनी देर क्यों लग गई? ओ मिस्टर हर्ब। ओ टीटीपो, मिल गया चीची। ये कहाँ था मिस्टर हर्ब? ये जंगल में चला गया था, शायद ये डर गया है, कांप रहा है। डर गया? जल्दी अंदर आइए। ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। जी मिस्टर हर्ब। टीटीपो जल्दी से चूचू शहर की तरफ चल पड़ा। ओह, तुम बहुत शैतानी करते हो। चीची, शैतानियां तभी कर पाओगे जब तुम ठीक रहोगे। शैतान बच्चे, कम से कम जवाब तो देते हो। डर लग रहा है? डरो मत चीची, मैं हूं ना। ये क्या? लगता है मिस्टर हर्ब बीमार हो गए हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो दोस्त? क्या चूचू शहर में कुछ हुआ है दोस्त? मैं समझ गया, चलो चलते हैं। ओ मिस्टर हर्ब, मिस्टर हर्ब क्या हुआ आपको? हेलो, जल्दी एम्बुलेंस भेजिए, इन्हें बहुत तेज बुखार है। परेशानी की कोई बात नहीं है, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। हाँ, हम इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम दोनों का शुक्रिया एलिस जी, इनका पूरा ध्यान रखना। अगर तुम मुझे नहीं बुलाते तो कुछ भी हो सकता था। तुमने अच्छा काम किया चीची। मिस्टर हर्ब। ओह, आओ मेरे बच्चे। हेलो, माइक्रोफोन टेस्टिंग। हेलो चीची, मैंने सुना है आज चीची का टीवी पर इंटरव्यू होगा। ये माइक ठीक ही सुना है। उसने जरूरत के वक्त आपकी मदद की। चीची सच में हीरो है। बिल्कुल, वो सबसे समझदार डॉगी है। आप तैयार हैं सर? हाँ। चीची वो समझदार पपी जिसने अपने मालिक की जान बचाई है, उसके मालिक से मिलते हैं स्टेशन मास्टर मिस्टर हर्ब। हेलो सर। ओ हाँ, सभी को हेलो, मैं हूँ स्टेशन मास्टर। चीची के बारे में बताइए, वो कैसा डॉगी है? चीची एक कभी शरारत नहीं करता और बहुत स्मार्ट है। अरे
ये क्या कर दिया? चीची नहीं, नहीं। अरे उसे रोकिए। ओ चीची ये सब बंद करो अभी। चीची लगता है कैमरा खराब हो गया। आपने तो कहा था कि ये कभी तंग नहीं करता। चीची हालांकि चीची बहुत तंग करता है लेकिन वो सबका प्यारा पपी है ना दोस्त।